जो 2 तारीख को शहीद हुए और जो हमारे बच्चे जेल में गए उनकी यादगार में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, हम भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े आभारी हैं कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को जेल में बंद करके उसको भारत का नेशनल मंडेला बना दिया, उसको देश का नेशनल मंडेला बना दिया। और तुम जितने दिन तक जेल में रखोगे तब तक इस समाज में उछाल आएगा, एक बवाल आएगा, एक क्रांति आएगी, एक तूफान आएगा, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पारसियों का है। तुम 3% लोग इसको जला रहे हो। ये संविधान तुम्हारे बाप का नहीं है, संविधान बाबा साहब डॉक्टर के। और तुम हमारे लोगों पर पीछे से गोली चलाते हो, इधर से पुलिस भी मारती है, उधर से सामाजिक तत्व भी मारते हैं। और हम कहना चाहते हैं एक बात, पुलिस और मिलिट्री को हटा लो और फिर तुम सड़कों पर आ जाओ, तुम्हारे बाप भी नहीं होंगे। हम तुम्हारी माँ का दूध याद दिला देंगे। इस देश को हमने बनाया है, इस देश को हमने निर्माण किया है। ये 2% लोग, मैं अपनी बात समाप्त करके भीम आर्मी के लोगों को, मैं सुजीत जी को, बालक राम जी को, नौटियाल जी को, मारियान जी को और तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच में जो चंद्रशेखर की माता जी बैठी है, मैं चाहता हूँ ऐसी माताएं अपनी कोख से जन्म दें, किसी भी को उस माँ को धन्यवाद देता हूँ। आगरा में भी एक का बच्चा मरा था, उसका घर पूरा बेहोश हो गया था, लेकिन उस माँ ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, लेकिन दो बच्चे सही और हो जाए तो कोई चिंता नहीं। चाहिए मुझे केवल 2 मिनट का टाइम मिला है, गाना 10 मिनट का होता है, संचालन 20 मिनट का होता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।